गृहस्थ वो नहीं है जिसके पास रहने को घर होता है या बीवी बच्चे होते हैं, गृहस्थ वो है जो घर को और बीवी और बच्चों को दिमाग में लिए लिए घूमता है, वो गृहस्थ है। नहीं तो बहुत संत हैं जिन्होंने ब्याह किया था, उनके बच्चे भी हुए थे, उनकी समाधि में कोई बाधा थोड़ी ही आई, क्योंकि बीवी बच्चे सब बाहर बाहर रहते थे, उनको वो दिमाग में नहीं घुसने देते थे। पर जिसने इन सब चीजों को दिमाग में घुसेड़ लिया, उसके लिए अब कोई जगह नहीं है। जो गृहस्थ है अब वो अंतस्थ कैसे होगा? और ये जो शर्ट है ना, ये आपको बहुत प्यारी हो जाए तो यकीन जानिए थोड़ी देर में आप कहना शुरू कर देंगे कि मैं शर्टस्थ हूं। होगी दुकान, होगा कारोबार, पति होंगे, पत्नी होंगी, बच्चे होंगे, ये सब हैं इधर, ये खोपड़ी पे चढ़ के ना नाचे, ये जीवन का केंद्र ना बन जाए। ऐसा ना हो कि यही यही घुस गए हैं आपके भीतर और आपका जीवन इन्हीं से भर गया है बिल्कुल। जिसके साथ ये हो गया वो अब हो गया गृहस्थ, और जो हो गया गृहस्थ उसके लिए अब कोई संभावना नहीं है। हम बड़े मस्त लोग होते हैं, हम घर में नहीं रहते, घर हम में रहता है। हम गाड़ी में नहीं चलते, गाड़ी हम में चल रही होती है। अगर ईंट पत्थर का ग्रह है जिसके भीतर आप रहते हैं तो आप समाधिस्थ हो सकते हैं। मैंने कहा बहुत हुए हैं शादीशुदा संत वगैरह जो समाधिस्थ हुए, क्योंकि वो ईंट पत्थर के घर के अंदर रहते थे। और दूसरी ओर होता है आम संसारी, उसके भीतर ईंट पत्थर का घर रहता है, ये पक्का गृहस्थ है। इसके लिए कोई मुक्ति नहीं, इसके लिए कोई सत्य नहीं, इसके लिए कोई समाधि नहीं। तुम घर के भीतर हो, तुम्हें मुक्ति मिल सकती है, पर घर अगर तुम्हारे भीतर घुस गया तो तुम्हें मुक्ति नहीं मिलने वाली। सब काम धंधा बाहर बाहर चले ठीक है, भीतर घुसेड़ लिया मारे गए।